आज इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं एक ऐसे वीर की बात करने वाला हूं, एक ऐसे परमवीर चक्र विजेता की बात करने वाला हूं, जिसका आप लगातार जिक्र कमेंट बॉक्स में कर रहे थे। कहते हैं कि उस बांसुरी को खरीद करके माने फाइनली उन्हें दे दिया। कहते हैं वो बांसुरी अगले 22 सालों तक मनोज कुमार पांडे जी ने अपने साथ रखी। कहते थे जब वो सैनिक स्कूल में गए, ऑब्वियसली लखनऊ, वहाँ से जब वो पुणे खड़गवासला गए, ऑब्वियसली NDA के थ्रू, और फाइनली जब वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून गए, हर जर्नी में ये बांसुरी कहीं ना कहीं उनके साथ थी। कि जब NDA के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आखिर आप फौज क्यों ज्वाइन करना चाहते, उस इंसिडेंट में उन्होंने कहा था कि मुझे परमवीर चक्र जीतना है, इसलिए मैं सेना में आना चाहता हूं। किस देश का ये सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है, इसलिए मैं इसको जीतना चाहता हूं, और मैं ये जानता हूं कि बहुत लोगों ने इसको मरणोपरांत जीता है, बट मैं इसको जीते जी जीतना चाहता हूं। दैट्स द क्वालिटी अबाउट द कॉन्फिडेंस। हर बार की भी मैं पूरी कहानी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, क्योंकि एक ऐसी जर्नी रही है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मशीन गन की गोलियों की रफ्तार कहते हैं 2900 फीट प्रति सेकंड। अगर वो आपके बाजू से चली जाए तो आपको लगता है किसी ने आपको जोर का धक्का मारा। बड़ा आसान लगता है ना यार, हम फिल्मी कहानियां देखते हैं, फिल्मी हीरोज को गोली चलाते देखते हैं, लोग उड़ते हुए देखते हैं। माइनस टेम्परेचर है और कपड़ों में पसीना लगा हुआ है, ये है जज्बा जब आप किसी मिशन के लिए रियल में बढ़ रहे होते हैं। हम तो एक सेकंड में घबरा जाते हैं यार, अच्छा मौसम नहीं पड़ेंगे, गर्म मौसम नहीं पड़ेंगे, थोड़ी ठंडी रजाई में भी घुस के हम नहीं पड़ेंगे। और फाइनली वो ग्रेनेड जो उनके हाथ में था गोली लगने से पहले, उस बंकर के अंदर गिरा और चौथा बंकर भी ध्वस्त हो गया, और फाइनली तिरंगा झंडा उस पर्टिकुलर खालोबार टॉप हिल पे फहराया गया। पूरा वीडियो देखने के लिए सौरभ सर के YouTube चैनल पे जाएं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया।